थ्योरम 6.9 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स 10th क्लास मैथ। लो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, देखो कैसे करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझिए, इसमें जो दो साइड है उनका स्क्वायर और उनका टोटल कर लो, सम कर लो, तो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। जो बड़ी साइड है ना उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और उसका ऑपोजिट एंगल होगा राइट एंगल। ये बात याद रखनी है। लो पहले गिवन इन ट्रायंगल एबीसी इन विच ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने फिगर बना ली। पहले ये फिगर बना ली, एंगल बी प्रूव क्या करना है, एंगल बी 90 डिग्री के बराबर। जे एंगल 90 के बराबर प्रूव करते तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, जे ट्रायंगल बना रही है राइट एंगल डेट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, इतना काटना। तो पी आर को मिला दोगे तो जे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। कहने का मतलब जे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कंस्ट्रक्शन में। ऑन इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू एंगल बराबर 90 डिग्री के, ये तो गिवन है इसमें कंस्ट्रक्शन में किया हमने। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पी क्यू ए बी के बराबर है एंड क्यू आर बी सी के बराबर, ये कहां किया, कंस्ट्रक्शन में, जहां पी क्यू वहां ए बी लिख दो, जहां क्यू आर वहां बी सी लिख दो। ये बन गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे नंबर एक डाल दो। बट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कहां किया, हमें गिवन दिया हुआ, देखो गिवन में लिखा हुआ है, इसे नंबर टू डाल दो। फ्रॉम वन एंड टू राइट साइड बराबर हो गई तो लेफ्ट भी बराबर हो गई। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पी आर आ गया ए सी के बराबर। आप स्क्वायर रूट लोगे तो जो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट दोनों आपस में कट जाते, कैसे, पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू, दो को एक बटा दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कट गया ये बन गया पी आर। तो जो स्क्वायर रूट पी आर स्क्वायर बनना पी आर स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर बनना ए सी के बराबर, तो ए बन गया पी आर इज इक्वल टू ए सी और ए सी इक्वल टू पी आर भी लिख सकते, इसको उल्टा आके भी लिख सकते। अगला स्टेप हमारा जे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लिख दिया ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है कहां, कंस्ट्रक्शन में, देखो लिखा हुआ है। तो क्यू आर भी बी सी के बराबर है, ये भी कंस्ट्रक्शन में है, बी सी इक्वल टू क्यू आर कंस्ट्रक्शन लिख दो। ए सी इक्वल टू पी आर, ये जहां हमने प्रूव किया अभी, तो प्रूव्ड लिख दो। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, रूल लगा एस 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 कॉन्ग्रुएंस। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर हो जाते तो एंगल बी हो गया एंगल क्यू के बराबर। कहने का मतलब जे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री का ही है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने कहा किया था कंस्ट्रक्शन में, देखो कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, देखो राइट एंगल्ड एट क्यू। देयरफॉर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल क्यू आ गया 90 डिग्री के बराबर, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट बी।